फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये व्रत वाले उत्पम बनाना बता रही हूँ। स्टफिंग के साथ मैंने बनाया है, आप इसको ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। उत्पम बनाने के लिए मैंने ये समा का चावल लिया है, एक कटोरी है, और ये हम साबूदाना लेंगे या आधी कटोरी। इसको हम मिक्स कर दे रहे हैं और इसको धो के 6-7 घंटे के लिए रख देंगे भिगो के। देखिए मैंने इसको वॉश कर लिया है और इसको फूलने तक हम इसको फुला देखेंगे साबूदाना को। जब मैशी से होने लगेंगे तब तक इनको फुलाना है। साबूदाना और चावल जो हमारे समा के चावल थे अच्छे से फूल गए हैं। अब हम इनको छान लेंगे और पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, पीसते समय ज़्यादा नहीं डालेंगे। फिर उसके बाद फिर जैसा भी ज़रूरत होगा उस तरह से हम डाल के बैटर बनाएंगे। तो देखिए इसको मैंने पीस लिया है, अब इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं। तो देखिए जार में मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया है और इसमें डाल लिया। इसका हम बैटर थोड़ा सा पतला कर लेंगे और ये सारी चीज़ें हम डाल लेंगे। हरी धनिया कटी हुई, हरी मिर्च, अदरक, ये मैंने कद्दूकस किया है, ये काली मिर्च है, काली मिर्च को मैंने कूट लिया है, और सेंधा नमक। इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और जैसे हम डोसे का बैटर बनाते हैं, इडली और डोसे का, उस तरह का हमको थोड़ी कंसिस्टेंसी हमारी बैटर की, डोसा और इडली के बैटर के जैसे हमको करना है। तो देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। अब मैंने एक तवा को गर्म करने के लिए रख दिया गैस पे। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और फैला देंगे ऑयल डाल के ऐसे। अब हम एक चम्मच, बड़ा चम्मच बैटर लेंगे और इसको ऐसे डाल देंगे और इसको थोड़ी देर, 2 मिनट करीब ऐसे पकने देते हैं। तो देखिए उत्पम का कलर चेंज हो गया एकदम, ये अब पकने लगा है। अभी हम थोड़ा सा इसको दबा देंगे जिससे कि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए, अभी थोड़ा सफ़ेद। और इसको पलट के 10 मिनट के लिए इस साइड में भी पका लेते हैं। बैटर डालते समय हम फ्लेम को स्लो टू मीडियम रखेंगे और उसके बाद हम मीडियम कर लेंगे। स्टफिंग भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आलू बनाए हैं व्रत वाले, इसको मैं ऐसे एक साइड में रख दूंगी। और ये व्रत वाली मैंने चटनी बनाई है तो इसको भी हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा थोड़ा। आप इसके ऊपर भी डाल सकते हैं चटनी, उत्पम के ऊपर भी आप फैला के। और फिर अब इसको हम फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी स्टफिंग वाला उत्पम तैयार है। इसको अब हम सर्व कर लेंगे चटनी के साथ में। और इसी तरह से हम बाकी भी बना लेंगे। और ये देखिए मैंने बिना स्टफिंग का बनाया, इसको भी हम ऐसे पलट के थोड़ा सा सेक लेंगे दोनों साइड से। तो देखिए हमारे उत्पम बनकर तैयार हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।